नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच समर में राजद में भगदड़ की स्थिति बन गई है। अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने बगावत कर दिया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। माना जा रहा है कि वे पार्टी से बाहर जा सकते हैं, हालांकि खुद इस्तीफा देने के बदले पार्टी की ओर से कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तर्ज पर लालू यादव पर सिद्धांत से समझौता और परिवारवाद करने का आरोप लगाया है। इससे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और पूर्व मंत्री ऋषिन पटेल ने आरजेडी को बाय बाय कर दिया है। अशफाक करीम ने तो नीतीश की पार्टी जदयू में शामिल भी हो चुके हैं। उससे पहले बांका से राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव पार्टी छोड़कर महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव ने रविवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लालू यादव असल में पारिवारिक न्याय के पुरोधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बदले आयातित लोगों को टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव के साथ न्याय नहीं किया गया, उन्हें अभिमन्यु की तरह घेरा गया है, लेकिन वो लाक्षागृह भेद कर जरूर निकलेगा। देवेंद्र यादव ने लालू को चुनौती दी कि यादव समाज के लोग किसी कोठी के अनाज नहीं है। आज सांप्रदायिक लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। अभी तो राजद से विकेट गिरना शुरू ही हुआ है, अभी देखिए कि कितना और विकेट गिरेगा। देवेंद्र यादव ने कहा है कि लालू यादव ने कई लोगों का रास्ता रोका, वो उन लोगों का लिस्ट निकालने जा रहे हैं। आरजेडी में पहले यूज एंड ग्रो था, आज हमारे नेता यूज एंड थ्रो को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो कि हम भी बागी हैं। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन 2024 नहीं जीतेंगे तो 2025 कहां से जीतेंगे। उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावना को कुचले जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि पार्टी में उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं कि बाहर से आए नेताओं को सिंबल दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि राजद को बनाने में केवल लालू जी का या केवल हमारा योगदान नहीं, बल्कि हजारों सैकड़ों लोगों का योगदान है। हमने समाजवादी नेता कर्पूरी जी के लिए इस्तीफा भी दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।